हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ आवर मैथ्स लेसन सेकंड, दैट इज टेबल्स और पहाड़े। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको टेबल्स आती हैं 20 तक की, उसी के बेसिस पर आपको टेबल्स बोलकर और आंसर्स फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज 14 इंटू 3। आप सभी को 14 की टेबल आती है, तो 14 थ्री आर 42। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, पर अगर आप ई वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में ब्लैंक दिखाई देगा, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 11 इंटू ब्लैंक इज इक्वल्स टू 110। तो 11 की टेबल में 110 कितने टाइम्स आता है आप टेबल बोल के देख लेंगे, 11 टेन्स आर 110, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। बी वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 + 8 × 5, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 + 8 ब्रैकेट में दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 × 5, तो 11 × 5 = 55। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, 5 × 5 = 25, 25 में से आप 10 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। नाउ 8 × 9 + 11, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 8 × 9 कितना होता है, 8 × 9 = 72, तो 72 + 11 = 83। नेक्स्ट में भी आपको 50 - 4 करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ सेकंड इज मैच द फॉलोइंग। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जे वाला 35 × 7, तो ये आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको 35 की टेबल तो आती ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे ये हम सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में समझेंगे। ओके, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। मैच द फॉलोइंग, आपको टेबल्स आती है 20 तक की, तो ये 20 के अंदर की ही टेबल्स यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इनका आंसर दिया गया है, तो आपको मैच करना है टेबल बोलकर कि कौन सा सही आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 15 × 2 = कितना होता है 30, तो हमने 30 से मैच कर दिया। 7 × 8 = होता है 56, तो हमने 56 से मैच कर दिया। ऐसे ही आपको टेबल्स बोलकर करेक्ट आंसर से मैच करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, हमें दिया गया है 40 × 3, तो आपको 40 की टेबल तो आती नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अभी आप जीरो को हटा दीजिए, जीरो को आप मत देखिए, तो बचा क्या 4 × 3, तो 4 × 3 = कितना होता है 12। 12 में हम क्या करेंगे, यहां पर 10 लगा है ना, तो हम यहां पर जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 120। ओके, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर यहां पर 2 0 होते तो हम यहां पर 2 0 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें दिया गया है, आपका आर वाला क्वेश्चन है 800 × 13। अब हमें 800 की टेबल तो नहीं आती, लेकिन हमें 13 की टेबल जरूर आती है, तो अभी हम जीरो को हटा देंगे तो क्या होगा 13 × 8, तो 13 × 8 = कितना होता है 104। अब यहां पर 2 0 लगे हैं 8 के बाद, तो हम यहां पर भी 2 0 लगा देंगे। जितने जीरो लास्ट में लगे रहेंगे ना क्वेश्चन में, उतने ही जीरो हम आंसर में लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 10,400। ओके, तो ये जो 0 0 वाले हैं क्वेश्चंस, उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अब हम आते हैं के वाले क्वेश्चन पे। अगर आप अपनी बुक में के वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है 84 × 6, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें तो जीरो नहीं लगा है और हमको 84 की टेबल भी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे 84 को ब्रेक कर देंगे, 84 को तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे हम, 80 + 4 = 84। 84 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 80 + 4, ठीक है, और × 6 एज इट इज हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार 6 का × 80 से करेंगे और एक बार 6 का × 4 से करेंगे, और दोनों के आंसर्स को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 80 × 6 + 4 × 6, तो 86 हमको नहीं पता, 80 की टेबल नहीं आती, तो हम इसमें जीरो को हटा देंगे, तो 86 कितना होता है 48।
और जीरो का हमने यहाँ पर भी एक जीरो लगा दिया, ओके। तो 480 प्लस 4 6 24, अब हम 480 और 24 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 10 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 504 अगर आप इसको प्लस करेंगे तो, ओके। तो इस तरीके से ये हमें करना है। नाउ एच वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी ऐसे ही है, 28 into 9, इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। 28 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 20 plus 8 into 9, ठीक है। अब हम 9 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे और 9 का ही मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे और दोनों के आंसर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 20 into 9 plus 8 into 9, ओके। 20 into 9 कितना होता है हमें नहीं पता, 20 की टेबल वैसे तो आपको आती होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं याद हो तो हम पहले जीरो को हटा लेंगे, तो 2 9s होता है 18, तो 18 और जीरो का एक जीरो प्लस 8 9s 72। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 8 plus 7 15, ये कैरी और ये हो गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 252, ओके। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हमें ऐसे ही ब्रेक करके और करना है। अब आपको पता चल गया ना, ये जो जे वाला था, फर्स्ट का जे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसे भी हमें ब्रेक करना है। 35 को कैसे ब्रेक करेंगे, 30 plus 5 into 7, फिर 7 का 30 में इंटू करेंगे और 7 का 5 में इंटू करेंगे और दोनों के आंसर्स को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज अपनी जो बुक में करने का है वो बुक में करना है, और बाकी जो ये है ये कॉपी में करने का है, तो इसको आप अपनी रफ कॉपी में कर लेंगे और आंसर्स लिख देंगे यहाँ पर, ओके।